फ्लो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्रेडिट फ्लो के मोस्ट सबवर्टेड फीचर पेमेंट गेटवे की नेसेसरी सेटिंग्स सेटअप करने के बारे में देखेंगे। पेमेंट गेटवे बेसिकली आपको हेल्प करता है अपनी पार्टीज से आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑनलाइन कलेक्ट करने में। ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कुछ नेसेसरी सेटिंग्स सेटअप करनी होती है, जिसके लिए आप सबसे पहले रिसिप्ट मेन्यू में जाते हैं एंड वहाँ से आप पेमेंट सेटिंग्स मेन्यू में जाते हैं। पेमेंट सेटिंग्स में मेजरली चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन रहता है पेमेंट रिसीविंग मेथड का। ये बेसिकली आपकी पार्टीज को डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लाइक नेट बैंकिंग, UPI, वर्चुअल अकाउंट, कार्ड पेमेंट। आप किसी भी ऑप्शन को डिसेबल या इनेबल अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको दिखता है मैनेज बैंक अकाउंट का। यहाँ बेसिकली आप अपनी उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालते हैं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिसीव होने के बाद अमाउंट सेटलमेंट के बाद रिफ्लेक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन आपको दिखता है वर्चुअल अकाउंट मैनेजमेंट का। बेसिकली आपके डेटर्स के साथ एक वर्चुअल अकाउंट आईडी आप शेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू पेमेंट कलेक्शन और फास्टर होती है विद T+0 सेटलमेंट डेज। लास्ट ऑप्शन आपको दिखता है अप्रूवल एंड रिसिप्ट सेटिंग्स का, जिसपे जो भी पेमेंट आपको रिसीव हो रही है उसकी जो रिसिप्ट जनरेट होती है वो आप डायरेक्टली टैली में एज अ रेगुलर वाउचर भेज सकते हैं एंड उसको ऑटोमेटिकली अप्रूव भी करवा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक अकाउंट मेंशन इन द टैली। नेसेसरी सेटिंग्स सेटअप करने के बाद जब भी अब आप अपने पार्टी को रिमाइंडर भेजते हैं पेमेंट के लिए, तो उनको एक पेमेंट लिंक का भी ऑप्शन दिखता है लाइक दिस। पार्टीज आपकी इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाती हैं, जहाँ पे वो जितनी भी अमाउंट उनको पे करना है वो एंटर करके आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस बैकएंड से आपने इनेबल किए थे उसके थ्रू पे करती हैं। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वापस से रिसिप्ट मेन्यू में ही जाके अंडर द सेक्शन ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन पेमेंट आपको ये बताता है कि कितने अमाउंट आपको गेटवे के थ्रू रिसीव हुई है। टोटल कलेक्शन आपको टोटल अमाउंट कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट एंड अदर मोड्स बताता है। जितने भी पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसीव हुई है वो आप क्रेडिट फ्लो पे के नीचे उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं एंड ऑल पेमेंट्स में आप टोटल वेज जिससे भी आपकी पेमेंट कलेक्ट हुई है वो आप चेक कर सकते हैं। सो ये कुछ नेसेसरी सेटिंग्स होती है जो आपको एक्टिवेट करना रहता है, सेट करना रहता है पेमेंट गेटवे से पेमेंट कलेक्ट करने के पहले। थैंक यू।